है रात हो रही है ये बस आशिकी का मारा है अपना दिल तो आवारा है मज़ेरे आजकल जितना सब कुछ महंगा हो गया है ना, उतने में तो वही चीज़ें इंसान बनाए जो थोड़ी टाइमलेस हो। वो क्रिस्प ले आया यहाँ पे, ये मैंने उसका था सैंडविच। सब ठीक हो क्या? गया अच्छा, वो नहीं लाए जो पी एफ चैंग था जो कि बंद हो गया है। अब ये हैं हरी मिर्चें साबुत, हरा प्याज, शिमला मिर्चें। ये 6,000 का सूट है, बहुत अच्छा मैसूरी है। ये वो है, ये मून लाइट है ना? हाँ, ये जैसा खोल के थोड़ा सा दिखाएंगे। ये भी बोला ना, और ये कितने? ये तुम ले लेना ना। अस्सलाम वालेकुम, आज वीडियो यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। और मुझे याद है आज मैंने जो भी कुछ करना है, तो हम लोग अभी मैं बना रही हूँ चप्पल कबाब चिकन के, जो कि बनते हैं जैसे मैं बनाती हूँ वैसे। आपसे रेसिपी शेयर करने लगी हूँ नवीद, तब तक चीज़ें सब काट रहा है, इकट्ठी कर रहा है, और जब तक इकट्ठी करेगा तब तक मैं इनका आपको बता दूँ कि आज की वीडियो में क्या होने लगा है। फिर मैंने जाना है वही जो मैंने आपसे वादा किया हुआ था, कुछ देखते हैं बाहर जाके कि क्या कुछ आया हुआ है बाज़ार में, कौन से नए प्रिंट्स आए हुए हैं। मैंने सर्दियों और गर्मियों के कपड़े निकाल लिए हैं, वो वीडियो शेयर करनी थी लेकिन आपको बताया कि वो मैं नहीं कर सकी। लेकिन अब जो कपड़े निकाले हैं और जो स्वेटर्स वगैरह मैं लेकर आई हूँ अमेरिका से, वो कल शेयर करूँगी जब इरशाद आ जाएगी। तो आज जो चप्पल कबाब हैं वो बनने लगे हैं, उसकी तरफ चलते हैं। कीमा मैंने लिया 1 किलो। मेरी रेसिपी में जो शायद हो सकता है कोई फॉलो करता हो या ना करता हो तो मैं बता देती हूँ कि उसमें ना मैं जो मुझे लगता है कि बाकियों से जो डिफरेंट होता है वो ये होता है कि मैं ब्लू बैंड जो होता है ना वो मैं एक डालती हूँ, एक तो नहीं मतलब समझे आधा सा ये डलेगा, और शिमला मिर्च एक पूरी में डालती हूँ, उसका एक थोड़ा सा अलग फ्लेवर आता है क्योंकि शिमला मिर्च भी है, मिर्चें ही हैं, तो वो थोड़ा सा उसका डिफरेंट टेस्ट आपको फील होगा। तो अब मैं बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ, शायद आपको भी अच्छा लगे तो आप भी बनाइएगा, बना के देखना कैसा लग रहा है, फिर मैं बताना भी है आपने। अच्छा जी, है शिमला मिर्चें काटी है, हरा धनिया, हरा प्याज, हरी मिर्चें और लहसुन अदरक, ये सब कुछ इसमें जाएगा। और उसके बाद इस सबको ना एक साथ ही चॉप कर लेंगे। वही चीज़ें सारी डाली हैं इसमें। इसमें यह है कि मैं अंडा नहीं डालती, अक्सर लोग इसमें अंडा भी डालते हैं, लेकिन ब्रेड स्लाइस सोक करके, जैसे इसमें मैंने 2 डाले ब्रेड स्लाइस, ये बेसन के आप 2 टेबलस्पून ही डाल दें, उसके बहुत अच्छा सा आपको टेक्सचर और टेस्ट मिलेगा। सिर्फ कीमा जो है ना वो थोड़ा सा बोरिंग लगने लग पड़ता है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने दिखानी थी कि जो इस तरह के जो मिलते हैं ना रबर वाले स्पून्स, ये आपको चीज़ को निकालने में बड़े अच्छे रहते हैं, इसमें से चीज़ें ना बिल्कुल वेस्ट नहीं होती। आज जो बनाया है हम लोगों ने घर में वो है लोबिया, रेड लोबिया, बॉयल्ड राइस और 7 चप्पल कबाब, ये आज का मेन्यू है। अब फ्राई करते हुए दिखाती हूँ, ज़रा चखती हूँ कि कैसा है। सबसे पहले चखना ज़रूरी है क्योंकि अगर वो पूरे कबाबों में कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाए ना तो फिर सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है ना। शुरू में मुझे कहता था हर चीज़ में, आप कहती हैं मैं बाहर से लाई हूँ बाहर, अब मुझे उधर ना मैसेज करता होता था जो अमेरिका में, ये ले आए चॉपिंग बोर्ड, ले आए छुरियाँ, ले आए ये। खैर अच्छा, चावल जो जैसे हम बॉयल करते हैं ना, वो इस तरह से कि जो पानी उबल रहा होता है चावलों का जो उबालते हैं, उसमें आपने एक बड़ी इलायची, सिनेमन स्टिक और 1-2 लौंग डाल लें, उसके बाद जब वो पानी उबलेगा तो आपने उसमें राइस डालनी है, उसको बॉयल करना है। आपको पता है कि इलायची और दालचीनी दोनों ब्लड प्रेशर और बहुत सारी और चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, ब्लोटिंग ख़त्म करता है और सब कुछ आपके लिए अच्छा करता है बहुत सारा। वैसे बेसिकली अरेबियन राइस जो है ना उसकी रेसिपी में था। अच्छा,
अच्छा, ये जो आप लोगों को वीडियो भी साथ साथ सुनाई दे रही है ना, वो है वीडियो जो मैं अभी वीडियो अपलोड करने लगी हूँ ना, उसकी एडिटिंग कर रही हूँ, तो वो है साथ में मेरा जो टाइम है वाइंड अप, या कह लें कि जो मुझे रिलीफ टेंशन या जो मेरे लिए एक हैप्पी टाइम होता है, वो ये होता है मैं लूडो खेलती हूँ, जो मैंने सबको हमेशा से बताया हुआ है। तो साथ में अपनी वीडियो एडिट कर रही हूँ जो कल अपलोड करनी है। नवीद अब खाना ले आया है, लोबिया चावल और चप्पल कबाब। ये खदीजा को खाना बहुत पसंद था और ये मेन्यू है हमारा भी बहुत फेवरेट, मतलब मेरा भी बहुत फेवरेट है। आज अपलोड करते थे ना वीडियो, काफ़ी टाइम लग गया हम लोग को, तो अभी निकली हूँ। अब मैंने दोबारा सनसेट ही हो गया है, रात ही हो गई है, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह मैं करूँगी, अपलोड करूँगी और रिकॉर्ड कर लूँगी जो मैंने आपको प्रिंटेड सूट्स और वो दिखाने थे, और साथ में कुछ आइडियाज़ और कुछ वो बातें भी कर लेंगी कि क्या सिलवाना चाहिए। अगर तो आप लोगों के पास कोई बहुत अच्छे स्वेटर्स वगैरह पड़े हुए, कोई कोट्स बहुत अच्छे हैं, तो उनके साथ प्लेन सूट्स ले सकते हैं, लिनन के, मरीना के। मरीना मुझे थोड़ा सा लगता हैवी हो जाता है, लेकिन जी एक बात का बहुत ख्याल रखा करें फैब्रिक लेते हुए कि वो ना उसमें रिंकल कम पड़े, रिंकल फ्री टाइप हो। और वो ज़्यादातर मटेरियल पहले आता था जेंट्स साइड में, तो मुझे याद है कि हम लोग अक्सर कपड़े, ये मुझे मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी, उससे मुझे बताया था कि वो अपने जो सर्दियों के जो कपड़े होते थे वो जेंट्स, जो आदमी मर्दाना साइड होती है वहाँ से लेते थे, उनके पास कलर्स भी बहुत अच्छे होते हैं और प्लेन कपड़े भी आपको अच्छे वहाँ पर मिल जाते हैं। एनीवेज अब तो खैर लेडीज़ के भी बहुत अच्छे आ गए जिनमें इतने रिंकल्स नहीं होते और आप रिंकल नहीं पड़ते और आप ले सकते हैं, तो वो प्लेन दिखाऊंगी मैं। शॉल्स आपकी कोई पड़ी है उनके साथ दोबारा आप सूट बना सकते हैं, वही बात है कि ब्लैक और स्किन कलर का सूट तो आप सिलवा लें, नहीं आपकी वार्डरोब में तो आप रखें, क्योंकि बहुत सारी शॉल्स आपकी उनके साथ जाएंगी, आपको सूट एक ही होगा, डिफरेंट शॉल्स और स्वेटर्स के साथ आप उसको नहीं दे सकें। 6000 का सूट बहुत अच्छा है, मैं और कितने का सूट है ये पर यार्ड है 1600 का पड़ेगा, खुला कपड़ा है ना, मैक्सी लेंगे साड़ी वगैरह। हाँ, 1600 का मतलब सूट है और ज़्यादा ही होगा इसका। ये ऊपर लेस भी सारी पड़ी हुई है सारी, और ये लेस के कितने के होंगे सूट? ये हमारे पास जितना भी फैब्रिक्स है ना, ये लूज फैब्रिक्स है, यानी हाँ, साड़ी बना सकती हूँ। हाँ, लेकिन सूट के हिसाब से आप बता दें। सूट के हिसाब से 2 गज की शर्ट होती है, ये तकरीबन 2500 की शर्ट पड़ती है। अच्छा, यानी 5000 का सूट है। अब ये चिकनकारी है, ये भी आजकल चल रही है फैशन में, ये सिल्क वेलवेट है सादा कपड़ा, ये क्रश में, क्रश में भी चल रहा है। ये जो क्रश में आप दिखा रही थी ना, इनकी पैंट्स बहुत अच्छी बनती है, ये 800 रुपए यानी 3000 तक सूट पड़ेगा। ये वेलवेट में भी काम पड़ेगा, ये कितने का है जैसे वाला सूट है वेलवेट का? ये पर यार्ड 5000 की शर्ट पड़ेगी आपको। 5000 की शर्ट, क्योंकि सूट तो उसका कम ही बनाते हैं, वरना पैंट्स बना के ऊपर सिल्क की शॉर्ट शर्ट भी बना सकते हैं। तो ये कर्दाना वगैरह है ना, ये कर्दाना है नेट पे। और ये खान कितने की होंगी शर्ट? ये शर्ट 7000 की रेंज, 7000 की ऑलमोस्ट। ठीक है, ये भी आजकल चल रही है, सितारा नहीं है, टाइम ये सादी मूनलाइट है, ये भी चल रही है। शुक्रिया खान, इनके पास से तो मैं गर्मियों के तो बहुत ज़्यादा लॉन के प्रिंट्स वगैरह लेती रही, मैंने दिखाए भी थे गर्मियों में। और ये जो सर्दी वाला, जैसे ये वाला है, ये भी रिंकल फ्री टाइप ही फैब्रिक है। और ये कितने का है? ये वूल है, ये वूल। हाँ, अच्छा, वूलन है ये। 4000 का सूट, 4000 का सूट, इसका कलर भी अच्छा है, वो ये जो आप शॉल्स के साथ बना सकते हैं, कुछ स्वेटर्स हैं आपके वो मैच कर सकते हैं उनके साथ।
प्रिंट्स भी पड़े हुए, सर्दियों में ये चेक बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ ये जैसा खोल के थोड़ा सा दिखाएंगे, ये भी बोला है ना, ये कितने की है शर्ट या सूट? ये 1500 रुपये की, 3000 की शर्ट। ये 3000 की शर्ट है और ये बहुत ही अच्छी शर्ट है, बहुत अच्छी लगी है। बोला ना अच्छा मोटा है। इसमें ये भी है और ये भी है इसमें, ये भी है इसमें और ये भी है। ये बहुत अच्छे हैं, जैसे गर्मियों में प्रिंट्स अच्छे लगते हैं ना, सर्दियों में ये चेक्स और प्लेन अच्छे लगते हैं, लाइंस और इस किस्म के। ये वुलन में ये प्लेन भी, इनके कोट ये तो ले लेना ना। और ये कितने का सूट है मतलब भाई? कौन सा? ये वाला, ये 2200 रुपये। ये बहुत अच्छा है, ये कितने का होगा ये वाला सूट? 5000 का ही होगा। अच्छा कपड़ा क्यों और है, क्या नाम है उसका? सिल्क। अच्छा सिल्क और नॉर्मल जैसे ये वाले प्लेन सूट्स है ये? डिफरेंट प्राइसेस हैं मगर प्लेन है सारे, थोड़े इसमें ये भी है सेल्फ वाले भी, सेल्फ प्रिंट वाले भी हैं। और ये प्योर तो नहीं होगा ना ये वाला? प्योर है, अच्छी बात है। सिल्क ज़्यादा पसंद है। 5000 के है ना ये? ये कम है, ये 4000 का है। ठीक है, और एक ये फोर पसंदीदा जगह जहाँ मैं अक्सर शाम को पाई जाती हूँ। ब्लू आए हैं, जितनी सी मैं रिकॉर्डिंग कर सकी ना वहाँ पर उतनी सी तो मैंने की है। F10 में जो शॉप्स हैं वहाँ पर कपड़े वगैरह की दुकानें, और क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं तो इससे ज़्यादा मैं भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। अब मैं खाना ऑर्डर करूँगी फिर बात करें। आजकल जितना सब कुछ महंगा हो गया है ना, उतने में तो वही चीज़ें इंसान बनाए जो थोड़ी टाइमलेस हो। ये वाला भी आपको याद होगा, ये मैंने लास्ट ईयर लिया था जब मैंने नए नए व्लॉग्स बनाना शुरू किया था। चिकन है ये, और पूरा ऑलमोस्ट एक साल मैंने बहुत दफ़ा पहना, बहुत दफ़ा धुला, बिल्कुल ठीक रहा था ये। तो उसके अलावा ये है कि आप जूते बैग्स भी जो आपके पास है उनके साथ भी कुछ आप अगर मैच करना चाहते हैं वो आप मैच कर सकते हैं। मैं तो यही, मेरा मशवरा तो यही होगा कि आप प्लेन सूट्स ज़्यादा बनाएं या कुछ चेक्स वगैरह वाले वो बनाएं। ये जो चेक्स मैंने आपको दिखाया आप इसके साथ लंबा कोट वगैरह बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगेगा, और सर्दियों में तो बहुत ही अच्छा लगेगा, तो सर्दी से भी आपको बचाएगा। स्टिचिंग बहुत ज़्यादा है जिसमें मैं कुछ, अब वही बात है कि बिजली वगैरह इतनी महंगी हो गई है कि टेलर्स को भी बेचारों को कुछ तो कमाना है, तो इसलिए स्टिचिंग ज़्यादा ही है। तो एक दो साइट्स हैं जैसे मैं जिनसे कपड़े मंगवाती हूँ वो भी मैं अक्सर आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ, और मैं दोबारा करूँगी भी दोबारा पूरा ब्लॉग वो करूँगी जहाँ पर आपको वेबसाइट्स कुछ ऐसी हैं जहाँ से आपको इकनॉमिकल और अच्छे कपड़े मिल सकते हैं। तो अब मेरा खाना आने लगा है, देखती हूँ कि आज कैसा है। ओ क्रिस्प ले आया यहाँ पे, ये मैंने उनसे कहा था सैलेड, बेटा मैंने उनसे कहा था सैलेड दे दें क्रिस्प की जगह, ये चेंज कर। और इसके अलावा ना वो क्या वॉलेट भी मैंने कहा था, तो ठीक हो क्या गया। अच्छा वो नहीं लाए जो शुभ वॉलेट्स थी? थैंक यू जी, आ गया। मैंने क्रिस्पी लेती साथ, एक मुझे खिलारा सा लगता है पेट में पड़ गया, मैं उसी ये लेती हूँ। ठीक है जी, सलाद।
थैंक यू, मुझे ग्लास भी चाहिए। ये पीएफ चैंग था जो कि बंद हो गया है, ब्रू के साथ था हमारी कार। यहाँ पे ना सारे ये जो है ना, जो भी पहले वाले हैं, सब हमारे जानने वाले हैं, क्योंकि हम इतने अरसे से आते हैं तो इन्होंने यूजुअली हमारी जगह रखी होती है। गए थे तो पीएफ चैंग चल रहा था, बिल्कुल सब ठीक ठाक उनका होते थे, मतलब चल ही रहा था, इतना रश वश तो नहीं होता था। लेकिन जब भी कोई चेन इस तरह इंटरनेशनल चेन बंद होती है ना, तो अफसोस होता है। और वैसे भी जो महंगाई और जो कुछ मैंने देखा है 4 महीनों में, जितने रेट्स चेंज हो गए हैं, बढ़ गए हैं, उसमें तो उनका सर्वाइवल भी बेचारों का मुश्किल ही हो रहा होगा। बस फिर आज की वीडियो यहाँ तक थी, इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। होपफुली इस वीडियो को मैं एडिट करके जल्दी और अपलोड भी कर दूँगी। लास्ट में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि मैं थोड़े से क्लिप्स ड्राइव के और इस्लामाबाद के बनाऊँगी, वो लोग जो मुझे स्पेशली बाहर देखते हैं और अपना मुल्क देखना चाहते हैं, उनके लिए मेरी कोशिश होती है कि रोज़ ही कुछ ना कुछ मैं ड्राइव करते हुए सीन्स रिकॉर्ड कर लूँ, तो वो मैं भी करूँगी रिकॉर्ड। सॉरी अंधेरा था, तो वो मैं भी ड्राइव की करती हूँ। दिन ही चार है, खोया खोया रहता है।